नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप इस समय देख रहे हैं पत्रिका की नोट सलून। हम एक ऐसे मंच पर हैं जहां पर हम बात करते हैं स्लैब से, सेलिब्रिटीज से और उन जिम्मेदार लोगों से जिनके जिम्मे है इस देश के की नीति बनाना, या आप जिनसे खुद बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, या उनसे जुड़कर अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम उन सारे लोगों को लेकर के आना चाहते हैं जो रंगमंच से जुड़े हों, या फिर स्पोर्ट्स से हों, या फिर देश की सरकार चलाने वाले लोग हों। और आज हम ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर के आए हैं कि जिसको नाम या पहचान की कोई जरूरत नहीं है, जिसने जब रेसलिंग की शुरुआत की थी, अगर हम सीधे भाषा में कहें कि कुश्ती सीखने के लिए जब वो पहली बार अखाड़े के सामने गया तो लोगों ने हंसकर उसको लौटा दिया कि तुम भी कुश्ती करोगे, तुम भी पहलवानी करोगे क्या। और वही पहलवान जिसे अखाड़े में एक बार रिजेक्ट कर दिया गया, पहले ही बार में ही उसकी मनसा को रिजेक्ट कर दिया गया, और उसी ने ही अपने विल पावर की दम पर आखिर साबित कर दिया कि वो देश का नहीं दुनिया का बेस्ट रेसलर है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं इंटरनेशनल रेसलर संग्राम सिंह के पास। संग्राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका कीनोट सलून में। जी नमस्ते, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जी संग्राम जी, आपको ये मंच पता है कि हम यहाँ पर एक मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। आप चूंकि रेसलर हैं और कहीं ना कहीं एक हमेशा दिमाग में सवाल रहता है कि कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन में हैं हम पिछले करीब एक महीने से, तो इस एक महीने में क्या तंदुरुस्ती का राज क्या है कि आप तंदुरुस्त हैं, आप बिना अखाड़े जाए, आप खुद अहमदाबाद में फंसे हुए हैं, वहां पर आप मैनेज कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वो चीज जरूरी है। तो कैसे हिट रहो और फिट रहो वाली बात जो हमने सब्जेक्ट में रखी है, एक बार आप, हम चाहेंगे कि आप उस पर जरूर एक बार। जी मैं सबको बताना चाहता हूँ, पहले तो क्या है कि देखिए ये एक महामारी है जो खाली भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है। फिर दूसरी बात है, कोरोना एक वरदान बन के भी आया है हम सब के लिए, क्योंकि क्या है कि हमने नेचर को यानी प्रकृति को इतना परेशान कर दिया था, अब देख रहे हैं बाहर पॉल्यूशन नहीं है, ढेर सारा जो मोटर गाड़ियों का शोर था वो नहीं है, नदियां हैं वो साफ हो गई हैं, बाकी चीजें बहुत साइलेंस है, फैक्ट्री आई नहीं चल रहे थे, आकाश में आसमान में छोटी चिड़िया आ गई है। तो मैं कह रहा हूं कि बाहर नहीं जा सकते ना, तो ये जरूरी नहीं कि बाहर जाना, तो भैया अपने अंदर जाएं। जब तक आप, मैं पहले एक बात शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जब तक हमने अपना अंदर नहीं पहचाना ना, अपने वाला इंसान नहीं पहचाना अंदर वाला, तो उसका फायदा नहीं है। आप चाहे किसी सुपरस्टार से मिल लो, प्राइम मिनिस्टर से मिल लो, किसी से मिल लो, जब तक आप उस अंदर वाले इंसान से नहीं मिलते ना, तो आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो देते हो। और मैं कह रहा हूँ कि ये टाइम है ना, चाहे बीमारी से लगाओ, किसी से लगाओ, बीमारी पे भी, कोरोना पे भी आऊंगा, सब पे आऊंगा, तो ये मालिक ने एक बहुत गोल्डन पीरियड दिया हम सबको कि भैया आप भी सवर जाओ, एक चेतावनी दे रहा हूं। तो ये टाइम अपने परिवार के साथ बिताओ, नई नई चीजें सीखो, क्रिएटिविटी करो, वर्कआउट करो, घर पे रह के करो, प्राणायाम करो, बाकी चीजें करो। और मेन बात क्या है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। देखो सारी चीज सोच पे है, अब तो सबके पास टाइम है, कहते थे भैया टाइम नहीं, हमारे है ना डीएनए उल्टा है। अगर इंडियन को हम ये कहेंगे ना भाई ये नहीं करना, तो हम वो जरूर करेंगे। जैसे हम बाहर जाते थे ना, तो उनको बोलने के भैया इस चेयर पे नहीं बैठना है, तो पहले ही बोलते थे हम, इंडिया वालों को जानबूझ के बोलते हैं, जहां पे बैठना नहीं होता ना, जहां पे बैठना होता वहां पे बोलते हैं, यहाँ पे नहीं बैठना, तो जानबूझ के वही बैठेंगे। तो अब जब पहले होता था कि नहीं घर जाना, घर जाना है, अब सरकार कह रही है कि भैया घर पे रहो, तो कहीं बाहर जाना है, ये सब करना है। तो देखो ये जो ये चीज है, ये हमारी सारी सोच है। ये देखो हम हिंदू मुस्लिम ये सब झगड़े करते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च पे, आज मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, चर्च बंद। अगर हम सब ने मिलके पहले स्कूल बनवाए होते, अस्पताल बनवाए होते, बाकी चीजें बनवाई, तो इसमें और फर्क रहता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भैया जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो वाहेगुरु है, जो जीसस है, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, वो है हमारे अंदर। हम सब इंसान हैं, हम सब पहले फैमिली हैं, बस ये है कि उसकी जिम्मेदारी समझो। अब में से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गलतियां करता है, कोई समझदारी की बात करता है, मगर मेन तो ये है। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जिंदगी में मेरा दोस्त, जो आदमी फिट नहीं होता ना, मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आप भी अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी आजमा लो, क्योंकि क्या है कि जो आदमी फिट ही नहीं हुआ, जो अपना ही दोस्त नहीं हुआ, ना अपनी फैमिली का दोस्त होता दोस्त हो सकता, ना वो आपका दोस्त हो सकता, ना मेरा दोस्त हो सकता, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है, अमीर नहीं है कि वो अपना बीता हुआ टाइम खरीद ले, कोई इतना गरीब नहीं है कि अपने आगे आने वाले टाइम को ठीक ना कर सके।
तो भैया पहला पहली प्रायोरिटी हमारा शरीर है। देखो आज भी वही रह गया ना कि बड़ी बड़ी जो पैसे वाले थे, धन दौलत थी, सब कुछ रह गया। तो देखो जिंदगी में रास्ते दो ही है, मैंने पहले ही बताया है, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अपने शरीर पे काम करो, अपनी इम्यूनिटी पे काम करो, योगा करो, प्राणायाम करो। और मैं कह रहा हूं कि ये मत सोचो कि ये 3 मई को खत्म हो जाएगा, इसको लेके हम आए हैं, लेके इंसान आया है। तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी तब ये कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इसीलिए जैसे पहले नहीं होता था कि हम शाकाहारी खाना खाते थे, बाहर का खाना नहीं खाते थे, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, फास्ट फूड, पिज्जा, जंक फूड, ये होटल का खाना, ये सब हम खाते नहीं थे। तो वापसी हमें मालिक लेके आया है कि भैया अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखो, अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को हेल्दी रखो, तो कोरोना क्या कोई भी बीमारी आ जाए उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और मैं आपको कह रहा हूं, जिंदगी में फिर कह रहा हूं कि भैया देखो हमेशा ना सलाह हारे हुए इंसान से लो, तजुर्बा जीते हुए इंसान का लो। सलाह हारे हुए इंसान से लो और तजुर्बा जीते हुए इंसान का लो और दिमाग अपना खुद का लगाओ। तो मैं कह रहा हूँ इंसान बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। और अब ये टाइम ऐसा आया है कि हम सब साथ यूनाइट हो जाएंगे, हम सब साथ रहेंगे, कोरोना को हम हरा लेंगे। मैं कह रहा हूँ कोरोना से खतरनाक डेंगू ये सब बीमारियां हैं, ये मत सोचना कोरोना इतना खतरनाक है। कोरोना ये वायरस है जिसकी अब तक कोई वैक्सीन वगैरह बनी नहीं है, इसलिए हमें खतरनाक लग रहा है। अब जैसे गाँव में नहीं होता था सर्दी में कि भैया बच्चे का ख्याल रखना, बूढ़े का ख्याल रखना, कि वो बच्चे बूढ़ों को सर्दी थोड़ा परेशान करती है। तो बात बच्चे बूढ़े की नहीं, बात जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है ना उसको तो हर चीज परेशान करेगी, क्योंकि भैया जो ताकतवर है ना उसे कोई झगड़ा भी नहीं करेगा, याद रख लो, उसे डरेंगे। तो कमजोर को तो भैया सब वो करते हैं, और हिम्मत का हिमाजी राम होता है। तो भी क्या करना है आप सबको, इसे मैं बचने के उपाय भी बताऊंगा, आप सबको बीमारी क्या भी बताऊंगा, सोशल डिस्टेंस, ये तो सब अखबार टीवी सरकार ने आपको ढेर सारा बता दिया कि भैया साबुन से हाथ धो, सैनिटाइज करो, ये सब करो। मैं आपको कुछ नेचुरल चीजें नेचुरल तरीके से, एक आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको फिट रहने से लेके परफेक्ट हेल्दी होने से लेके सब कुछ बताऊंगा। और मगर मैं ये कह रहा हूं कि देखो जो हम हमारा देश है भारत, हमारी तो वैसे इम्यूनिटी सबसे स्ट्रोंग है, हमें घबराना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि हम सर्दी गर्मी सारे मौसम देखते हैं, बारिश, और ऊपर से इतने पोल्यूशन में हम सर्वाइव करते हैं, वर्कआउट भी कर लेते हैं, हम जॉब भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ऊपर से हमारा जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे हल्दी है, तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर चौथी बात, मौसम भी हमारे थोड़ा फेवर में है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, सर्दी बहुत होती है, एक्सट्रीम होता है नॉर्थ में, तो खासकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी में से बहुत एक्सट्रीम होता है, बिहार, इन सब में। तो भैया मैं आप सबसे बात वही कह रहा हूँ कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके, जैसे अभी आप 4 रोटी खा रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि 2.5-3 खा लो। अगर आपको एक्चुअली हेल्दी रहना है ना, तो कम खाओ, काम ज्यादा करो। कोई जरूरतमंद आदमी, कोई गरीब आदमी आपके आस पड़ोस में जो खाना नहीं बना सकता, जिसकी जिसकी कैपेबिलिटी नहीं खाना बनाने की, तो वो रोटियां उसको दे दो, उसको बाहर रख दो। पक्षियों का सब ख्याल रखो। मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी का ख्याल रखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो नेचर आपका ख्याल रखना स्टार्ट कर देगी। मालिक का भी यही रूल है कि भैया आप देना तो स्टार्ट करो। और छोटी सी बात सुनी आपने, एक बार क्या हुआ कि कोई अमीर आदमी कोई कुछ खाना और सब कुछ बांटता था सुबह सुबह, तो एक बिल्कुल गरीब नहीं बोलता, मैं जरूरतमंद बोलूंगा, एक जरूरतमंद इंसान क्या करता कि सुबह आता, उसकी जब बारी आती ना, तो वो अपने से पीछे वालों को आगे करता रहता, पीछे वालों को आगे करता रहता। ऐसे करते करते उसने एक दिन निकाल दिया, उसको कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन निकाल दिया, उसको कुछ नहीं मिला। तीसरा दिन उन्होंने देखा जो उसके उसके साथ जो उसके सिक्योरिटी गार्ड सब आदमी उसको पकड़ के लेके गए वहां पे। बोले कि जी ये क्या करता है कि लाइन में लग जाता सबसे पहले और खुद नहीं लेता, अपने से पीछे वालों को आगे करता रहता है। तो उसने पूछा, भैया तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें खाना देता हूँ, सारी चीजें देता हूँ, ये ठीक है। बोला देखो जी आप भी बांटते हो, बांटता मैं भी। बोला मतलब? बोला आप भी देते हो, देता मैं भी हूँ। आप तो आपके पास पैसा है तो आप ये दे रहे हो, मेरे पास बारी है, उस समय है, मैं वो लोगों को दे रहा हूँ। तो भैया बस देने की ना नियत बना लो, फिर इंसान कभी भी वो नहीं हुआ। और कोई भी सम्मान मिला हमें, कुछ भी मिला है, लेने वाले को मिला है, देने वाले को मिला है। और ये देने का नजरिया है, ये अच्छी सोच का नजरिया है। इंसान गरीब है ना पैसे से नहीं होता, इंसान गरीब होता उसकी छोटी सोच से। बस आपने अपनी सोच ठीक कर ली तो आप हेल्दी भी रहोगे, आप फिट भी रहोगे, आप परफेक्ट भी रहोगे।
भैया चाहे खाना 2 दिन ना खाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 दिन ना खाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जो अपने दिमाग ने सोच लिया ना कि ये काम करना है तो वो काम हो जाएंगे। अब कई परेशान रहते कि भैया उसने सम्मान नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। भैया शेर जहां पे बैठता है ना सिंहासन वही हो जाता है, बस अपना वजूद बनाओ, जिसका वजूद हो गया ना वो बिना पद के मजबूत होता है। बस जो आपने सोच लिया ना पॉजिटिव, ये कोरोना ही क्या औकात है, कोरोना तो बहुत थोड़ा है। आपको बताऊं मैं, हम रोड एक्सीडेंट में इंडिया में हर रोज 5 से 7 हजार आदमी मरते थे, कोरोना से अब तक 600-700 आदमी मर रहे हैं 1.5 महीने में। भैया कोरोना तो बस एक डराने वाली चीज है हम सबको। हालांकि ठीक है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन रहा, ये सारी चीजें करनी है। बाकी क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर रोज आपको एक तो एक काम करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम भी आपको बताएंगे जल्दी अच्छे वाला, जैसे अलोम विलोम कपालभाति करते, ये अच्छी बात है करो, इससे ऊपर आता प्राणायाम। देखो वर्कआउट से अच्छा है योगा, योगा से अच्छा है प्राणायाम, प्राणायाम से अच्छा है मेडिटेशन, मेडिटेशन से अच्छा है साधना सिद्धि, वो ओस्ट्रोंग हो जाता है। फिर जो कोरोना फैलता है ना, अभी ये सुनते जाना कोरोना से बचाव का, वो तो आपको पता है कि हाथ धोने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, वो तो सब आपको पता है। सबसे पहले आपको नेचुरल क्या करना है, सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पीना है, 1 गिलास गर्म पानी पिया और फिर 2 मिनट का गैप दे दो, फिर उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दो, फिर 2 मिनट का गैप दे दो, फिर क्या करना है 1 गिलास गर्म पानी फिर से पीना है। मैं कह रहा हूं कि जो पीना स्टार्ट नहीं कर रहा ना, कल से स्टार्ट कर लो, एक अपनी सेल्फी खींच लो और 45 दिन के बाद खींचना, मैं कह रहा हूं कि यू टर्न चेंज आ जाएगा। हल्दी क्या है कि नेचुरल एंटीबायोटिक है, और दूध में इसमें हम हल्दी पीते हैं ना, अच्छी बात है, वो इम फायदा देता है, मगर ये जो सुबह खाली पेट हल्दी, मैंने पहले पानी बताया वो जो कुछ था नीचे चला गया, सेकेंड ऑफ बॉडी मिल गई, तीसरे गिलास पानी से पूरी बॉडी में मिल गया, और ये सबसे अच्छी चीज है। दूसरा, आपके घर में नारियल का तेल होगा या तिल का तेल होगा, ये हल्दी ये सब पीने के बाद 10 ग्राम या 15 ग्राम तेल लो गले में और 5 मिनट तक उसको चलाते रहो गले के अंदर, क्योंकि कोरोना फैलता है सबसे ज्यादा नाक से, मुंह से, गले से, इनसे, मतलब मुंह में और नाक में और गले में ही आता है मोस्टली, हर वायरस इसमें आता है, कोरोना के कोई भी वायरस हुआ चाहिए मोस्टली इन्हीं से आता है, तो चलाते रहो, उससे क्या होगा कि तैलीय हो जाएगा हमारा गला और ये कोई इन्फेक्शन होगा दूर चला जाएगा। अब मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ सुन लो, रामबाण बता रहा हूँ, 2-4 पत्ते तुलसी के 2-4 काली मिर्च सप्ताह में 2-3 दिन खा लिया करो। वो तुलसी और काली मिर्च क्या है कि कैंसर को ठीक डर कर देती है, तो कोरोना है। फिर शीर्षासन जरूर बनाओ, शीर्षासन क्या होता है कि शीर्ष, सिर नीचे टांग ऊपर, जो बना सकता है ना वो जरूर बनाओ, सिर के नीचे पिल्लो रख लो और कुछ रख लो, तकिया वकिया जो कुछ रख लो आराम से, क्योंकि शीर्षासन एक ऐसा आसन है थोड़ा सा वार्म अप करके, जिसमें हमारे पूरे ब्लड का सर्कुलेशन घूम जाता है, और आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ कि हमारा हार्ट जब से हम पैदा होते हैं मरने तक धड़कता रहता है, खाली शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसमें हार्ट को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो इसलिए आपको हार्ट अटैक से ही बचना है, हर प्रकार के वायरस से बचना है, तो कोशिश करो कि हर रोज शीर्षासन बनाओ। भैया मैं पिछले, आजकल डॉक्टरों की इज्जत करता हूँ, मैं पिछले 22 साल से डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, ना मैं उनकी मानता हूँ, नेचुरल शुद्ध शाकाहारी आदमी, इसलिए बता रहा हूँ ये बात सुन लो, पूरी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो शीर्षासन से क्या है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा, नाक और गले में कोई वायरस गलती से हमें टच भी हो गया, आ भी गया, तो वो भी खत्म हो जाएगा। जो शीर्षासन नहीं कर सकते, फिर उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है हलासन। हलासन फिर आप 30 सेकंड से लेके, जैसे लेट के उतना टांग ऊपर करते हैं नीचे, यहाँ पे वो लगा लेते हैं ऊपर टांग करते हैं 90 डिग्री में, वो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मगर शीर्षासन तो सबसे बेस्ट है, हलासन सेकंड नंबर है, तो आप हलासन, सर्वांगासन ये सब कर सकते हैं, हलासन इसका ऑप्शन है। फिर नंबर 3 के क्या है कि आपने अलोम विलोम कपालभाति कर लिया, कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है 45 डिग्री टेम्परेचर से, जब ऊपर चला जाता है टेम्परेचर बॉडी का, तो कोरोना का इम्पैक्ट 90% कम हो जाता है। तो हर रोज वार्म अप करो, एक जगह खड़े खड़े रह के 5 मिनट रनिंग करो, 6 मीटर रनिंग करो खड़े रह के एक जगह, कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर आप 50 डिग्री टच कर दो, तो कोरोना 90% खत्म हो जाएगा वहां पे, अगर गलती से कोई इन्फेक्शन आप में आ भी गया है तो बॉडी का टेम्परेचर वो किया। फिर अलोम विलोम कपाल भाती, इससे क्या फायदा है कि इससे जो हमारे लंग्स हैं वो स्ट्रोंग हो जाएंगे, और गलती से किसी कोरोना हो जाए ना, देखो इतने टेस्ट किट तो हमारे पास है नहीं इंडिया में, घर पे टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखो ऐसे अपना सांस रोक लो, और जो सांस अगर 30 सेकंड तक आपने रोक लिया, 25 से 30 सेकंड तक, जो बुजुर्ग हैं वो 20 सेकंड तक,
और फिर आपको खांसी नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो समझ लो आपको कोरोना नहीं, कोरोना को आपसे खतरा है। और जो यंग है ना, जो यंग दोस्त है मेरे, वो ये सांस 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 1.5 मिनट तक रोक सकते हैं, तो समझ लो खांसी नहीं आई तो आपको कोरोना नहीं है, आपको नॉर्मली वैसे खांसी जुकाम हो गया, नॉर्मली वायरल हो गया। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आगे क्या है, जो पांचवा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवा उपाय क्या करना है कि आपको थोड़ा सा जल्दी उठना है, टाइम से सो, थोड़ा जल्दी उठो इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए। और इन दिनों में फ्रिज का पानी या ठंडा खाना या बासी खाना वो मत खाओ, सेवन करो इन दिनों में मौसमी खाओ, संतरा खाओ, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और विटामिन सी हर प्रकार के वायरस के लिए खतरनाक है। संतरा है, मौसमी है, नींबू पानी है, ये हर प्रकार के वायरस के लिए खतरनाक है। और सप्ताह में 10 दिन में एक दिन काम करो, थोड़ा पानी गर्म करो और उसमें थोड़ा सा वो मिला लो सेंधा नमक, थोड़ा सा एक चुटकी, और वो इस नाक से पहले राइट से निकालो फिर लेफ्ट से निकालो, 20-20, 30-30 ग्राम 50-50 ग्राम पानी से और इससे निकाल लो। तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत जो दिक्कत भी होगी वो दूर हो जाएगी, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और फिर सबसे एक और रामबाण है, जब भी आपको टाइम मिले आपको कोशिश करनी है कि वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन यानी, अब मैं आपको करता हूं ना, देखो जैसे जैसे मैं ये सब करता हूं, ये बता रहा हूं, मेरी पूरी बॉडी से ऐसे आवाज आती है वज्र माने यानी वज्र के बन जाओगे भैया, वज्र के बन गए तो फिर क्या करो ना क्या करेगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो नॉर्मल चीज है। और दूसरी बात, ये कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये जो बाकी वायरस है उससे भी कमजोर है, जो डेंगू है, जो चिकनगुनिया हो जाता था, जो पुराने जो बीमार हो जाते थे, कहते भैया ये आ गए, ये उनसे कमजोर है। अब मैं बता रहा हूँ कि अपनी अपना भारत पूरा भरोसे है, क्योंकि राम का देश है तो राम भरोसे ही है। इटली और अमेरिका जो वर्ल्ड की टॉप हेल्थ की कंट्री थी, उनकी हालत ये हो गई, क्योंकि पता क्यों हालत हुई, एक तो वो जमा हुआ फ्रीजा खाना खाते, दूसरा नॉनवेज खाते, तीसरा उनका लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। हमारा लाइफ स्टाइल है जो नेचुरल जो पद्धति है हमारी, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम कभी भी बीमार पड़ ही नहीं सकते। अब दिक्कत क्या है कि हम कोशिश करते हैं दूसरे जैसा बनने की, जैसे हर इंसान में वो टैलेंट होता है, मगर अपना टैलेंट वेस्ट पता कहाँ करता है, वो दूसरे जैसा बन के, वो ना वो बन पाता ना ये रह पाता, वो क्योंकि वो वहां पे माइक्रोवेव लगे हैं, वहां पे वो एक खाना लेके आते हैं जो 7 दिन उसमें फ्रिज में जमा कर देते हैं, बाकी गर्म करके खाते रहते हैं, फिर वो चिकन खाते हैं, फिर वो ड्रिंक करते हैं, उनकी लाइफ ये सब है। और वो चाइना वाले तो इतने थे कि वो चमगादड़ खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, सांप खा रहे थे, बड़े वीडियो वायरल कर रहे थे। अब वो एक हंस रहा था, मैं कह रहा था भैया चाइना वाले ना अपने जैसा नाक हमारा करके छोड़ेंगे मास्क वगैरह लगा के, क्योंकि उनके नाक तो बैठे रहते हैं ऐसे ही रहे, तो भैया हमारा नाक भी ऐसे ही बैठ जाएगा। तो इससे है ना सावधानी की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए टाइम से उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, अपने घर के काम करो, नॉर्मली ध्यान रखो। जो काम अब खुद बताओ ना, 2 महीने के लिए सरकार ने बोला है, अब जब हम 10-20 साल में कुछ नहीं कर पाए तो भैया 2 महीने हम कौन सा गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे, तो 2 महीने जान है तो जान है ना, बाकी तो सब काम सेकेंडरी है। तो इसीलिए अपनी प्लानिंग करो, ये सबसे अच्छा टाइम है, क्रिएटिविटी बनाओ, प्लानिंग करो और वो पद्धति अपनाओ जिस पद्धति के लिए हिंदुस्तान भारत जाना जाता है, यानी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, शुद्ध शाकाहारी रहना, बाहर का ये कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, फास्ट फूड नहीं खाना, और एक लाइफ मेंटेन करना जब भी टाइम मिले नॉर्मली। और एक लंबे समय तक कहीं पे बैठे हो ना तो किसी कंफर्ट पोजीशन में बैठे तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रेच कर लो उससे लंबे समय तक एक जगह। अगर आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं नॉर्मली कर रहे हैं तो आपकी आंखें उससे टकरा रही हैं, तो उनको थोड़ा सा आराम कर दो, वो आपके हेड के ये हो बराबर हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपने सेहत का ख्याल रखा ना, देखो आपके ऊपर है कि भैया 20 साल में बूढ़े हो जाए 90 साल में जवान रहो, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हम बूढ़े होते हैं यहाँ से माइंड से, इसलिए कह रहा हूँ कि बूढ़ा नहीं होता और जिंदगी जी लो भैया। एक पुर्तगाल के बैंक का CEO कोरोना से उसकी डेथ हो गई, पता उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी लड़की ने लिखा एक सोशल साइट से पोस्ट लिखा, वो आप सब देख लोगे पढ़ लोगे, उसने लिखा कि हमारा परिवार पुर्तगाल का सबसे वनौदा अमीर परिवार था, उसके बावजूद भी मेरे पिताजी उस चीज से मरे जो चीज बिल्कुल फ्री है, वो दम घुट के मर गया, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो भैया इसलिए जब भी है, अब तो ऑक्सीजन भी साफ हो गई है, अब जितना उसके ले लो, जितना उसके अपने उस पर काम कर लो, मगर इससे डरो मत,
हाँ मैं कह रहा हूँ कि सावधानी लो, सावधानी बरतो और सारी चीज करो और एक दूसरे से प्यार करो। देखो छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कितना हम उस चक्कर में रहते हैं, ना किसी की बुराई करनी ना कुछ करना। भैया बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते, हम सबको बराबरी करनी है, हम सबको आगे बढ़ना है। ये छोटा सा देश है यार, अगर भले ही जनसंख्या हमारी ज्यादा है, क्षेत्रफल हमारा इतना ज्यादा नहीं, क्षेत्रफल हमारे से ज्यादा और भी है, तो इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है। आपकी शोहरत का, आपके रुतबे का पता तब चलेगा जब आखिरी जनाजा होगा। आजकल तो जिसको कोरोना हो जाता है ना गलती से भैया, ना तो कोई किसी की, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती, कोई आता भी नहीं है और उसको अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे बचे रहो, अपनी फैमिली को भी बचा के रखो। और अगर मान लो कई कई ये सोचते हैं बेवकूफ के, भैया हमारे नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, भैया आपको नहीं होगा तो जो आपके परिवार में बच्चे हैं बुजुर्ग हैं आप उनकी जान ले लोगे। अब मैं अहमदाबाद में हूँ, लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ हूँ, तो आया था मैं किसी काम से मगर लॉकडाउन हो गया। तो मैंने कल देखा ऐसे बात कर रहा था मैं जाके कि तीन बेवकूफ बैठे हुए और एक स्कूटर पे आधा केजी दूध की थैली लेके आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, एक्चुअली में गांव में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, गांव में इतना नहीं फैला है जहां पे शहर में फैला है, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, वहां पे ज्यादा फैला हुआ है। अब हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते कि भैया उन्होंने कर दिया, ये जमातियों ने कर दिया, ये तीसरे ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया। देखो भैया गलती सबसे होती है, कोशिश करो और अपनी जिंदगी में ना कभी हार मत मानो। मैंने पहले ही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि मैं इसलिए बीच में एक सवाल आया है यूजर का, वो ये कह रहा है कि संग्राम जी ने जो सारे पॉइंट्स बताए वो वाकई में लाजवाब हैं और वो कहीं ना कहीं लाइफ के लिए, हिट रहने के लिए बहुत अच्छे हैं। उसने कहा है कि संग्राम जी बिग बॉस देखते देखते हम ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में आ गए हैं और हम सब घर जितने भी हैं सब बिग बॉस बन गए हैं। तो ऐसे क्या और टिप्स हों जिससे हम खुद को घर के भीतर एज ए पॉजिटिव फील करें? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सब कुछ अपने दिमाग पे है भैया, माइंड पे है। वो अपने माइंड से अपने आप को सोचो। जो मैं कह रहा था ना बिग बॉस तो बहुत एक छोटा सा शो है, ये जिंदगी तो बहुत अच्छी। बिग बॉस में तो आप अनजान आदमी के साथ चले जाते हो, इसमें तो आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, अपनों के साथ रह रहे हो, सबके साथ रह रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मौका मिलेगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि भैया हर इंसान में ताकत होती है, सबकी कमजोरी होती है, तो अपनी ताकत को वो करो ना। जब मैंने एक बार रेसलिंग स्टार्ट की, मुझे याद है कि क्या हुआ कि जब माया रूमेटिक अर्थराइटिस था, डॉक्टरों ने बोला कि भैया ये तो बहुत हम्बल फैमिली से था कि मतलब पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, 10-15 किलोमीटर पैदल चलते थे ठीक होने के बाद, मतलब ये हालत थी। फिर डॉक्टरों ने बोला, घर वाले ऐसे लेके गए कि भैया ये तो इसकी बीमारी डेथ के साथ जाएगी, ये ठीक नहीं हो सकता, अब छोड़ दो 6 महीने उसमें। मगर मेरी माँ ने हिम्मत नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि हर बीमारी मेंटली सिर्फ 10% होती है, बीमारी या कोई भी टेंशन है 90% सॉरी फिजिकली सिर्फ 10% होती है। मैं कह रहा हूँ कि बाकी 90% मेंटली होती है हर बीमारी, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो कैंसर है, चाहे कुछ भी है। बस आगे बार आप कोशिश तो करो भैया कुछ आगे बढ़ने की, निकलने की। अब आप बैठे हो घर पे, ये सब है, तो अपने माइंड को इतना पॉजिटिव करो। जैसे सबकी ताकत कमजोरी होती है, मेरे में कमजोरी है, मेरे में ताकत है। अब सुनो, शेर जंगल का राजा होता है तो मगरमच्छ पानी का राजा होता है। अब शेर पानी, मगरमच्छ जंगल में नहीं भाग सकता, शेर पानी में नहीं भाग सकता। तो भैया सबकी अपनी ताकत है, सबकी कमजोरी है। मैं कह रहा हूँ बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, तभी तो आप बड़े बनोगे ना। लेकिन शुरुआत किसी भी काम की, अगर आप किसी काम को महान तरीके से नहीं कर सकते ना, तो हर छोटे काम को महान तरीके से करो। अपने आप को पॉजिटिव रहो। देखो सबसे बड़ी बीमारी तो डिप्रेशन की है, स्ट्रेस की है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपका परिवार के सदस्य हैं, जो फैमिली है, जो सारे हैं, ये साथ, ये का ये टाइम फिर मिलेगा नहीं जिंदगी में कभी भी। अभी आप या तो इसको भैया फालतू अपने ढेर सारी चीजों पे देखने लगा दो। देखो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये एक वरदान भी है, ये एक अभिशाप भी है। ये वरदान इसलिए, अगर आप अच्छी चीज देखते हो, वर्कआउट देखते हो, सीखते हो, ढेर सारी चीजें करते हो, तो वरदान है। अगर आप फालतू की चीज देख के, फालतू की फिल्में देख के, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अभिशाप है। तो इसलिए अपने टाइम का बखूबी अच्छे तरीके से यूज करो। और मैं तो बिग बॉस में भी रहा, मैंने एक शो किया, मैंने देखा नहीं कभी पहले और बाद में, उससे भी अच्छे अच्छे शो किए हैं। वहां पे भी मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा था। अब देखो सामने वाले कोई, या ये दुनिया भी बिग बॉस की तरह, कोई पीछे बोलते थे, हंसी उड़ाते थे, कोई कुछ करते थे, सामने कुछ बोलते थे, भैया मैं तो वहां पे रहा। बाकी लोग कहते हैं कि शो से लोग खत्म हो जाता है, जो नेगेटिव लोग है वो आते हैं।
मगर मुझे तो शो से बहुत फायदा हुआ। एक पुरानी कहावत है भैया, सोना चाहिए कीचड़ में पड़ जाए या सोना चाहिए नॉर्मली रखा रहे, उसी कीमत कभी कम नहीं होती। तो अपने आप को वो सोना बनाओ, वो चीज बनाओ कि आप कहीं भी चले गए, किसी भी सिचुएशन में चले गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यही लेकिन तो संग्राम जी, संग्राम जी, मैं यही सवाल ये कर रहा हूँ, सोना को सोना बनना तो पड़ेगा पहले। मैं भी वही जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये संग्राम सिंह सोना बनने के लिए कब पहली बार जब वो गया, वो घटना क्या हुई कि वो पहली बार पहलवानों को देख करके उस मैदान में, मिट्टी के मैदान में गया और वहां से भगा दिया गया, क्योंकि वो हैंडीकैप था, वो चल नहीं सकता था। और जो बच्चा ढंग से खुद अपने सारे चल नहीं पा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे पहलवान बनना है, तो वो सब कुछ कैसे और कैसे फिर इतनी विल पावर आई कि नहीं, पहलवानी ही करूंगा और देश का बड़ा पहलवान बनके दिखाऊंगा, रेसलर बनके दिखाऊंगा। अब मैं बताऊं, देखो मैं जहां से हूं, मेरा गांव पड़ता है वैसे हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, मदीना। और एक अच्छी बात ये है कि आपकी पत्रिका राजस्थान से होती है। मैंने अपनी लाइफ का पहला सीनियर नेशनल 2003 में राजस्थान की तरफ से खेला था, 120 केजी में, जी जो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता था। देखो अपने यहाँ पे क्रेज होता था, जो हरियाणा पंजाब राजस्थान, इसमें क्या होता था, पहलवानों की पहले बहुत इज्जत होती थी। और भैया देखो, क्रिकेट का बैट आता था 100 रुपए का, बैडमिंटन ये सब था नहीं, लंगोट आता था 5 रुपए का, 7 रुपए का, कभी माँ ने सीख दिया, कभी बहन ने सीख दिया। तो मेरा बड़ा भाई था, वो स्टेट लेवल का रेसलर था, पहलवान था। तो एक बार गांव में ऐसे कुश्ती हो गई, मैं उनको बोला लेके चलो भैया किसी को। मैंने देखा कि मिट्टी में कुश्ती हो रही, पहलवानों को थोड़ा सा घी मिल रहा, थोड़ा सा दूध मिल रहा, थोड़े से पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता, कि इनकी तरह से दूध मिलता, घी मिलते, पैसे मिलते, इज्जत मिलती, सब होता। मगर मैं आंखें बंद रहती, सपने देखता कि मैं पहलवान बन गया हूँ। ये आंखें खोलता तो वही हालत होती थी कि भैया, तब तो नेचर कॉल भी नहीं होती थी, और तब ये कहाँ पे, ये भाई साहब ये तो अखबार वाल लिखते हैं, व्हीलचेयर ये सब कुछ नहीं होता। रूमेटिक अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है कि पैर से फैलनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे हर ज्वाइंट, जो बॉडी का ज्वाइंट है, वो सब काम करने बंद कर गए। मैं अपना मुंह भी नहीं खोल पाता था, दो पैर होती थी, जब धूप निकलती थी तब की बॉडी का थोड़ा सा सर्कुलेशन होता था। और अर्थराइटिस ये होती है कि ये दवाई देते, डॉक्टर खून पतला हो जाता है, इसमें हो जाता है, फिर हड्डियां घिसके गैप हो जाता है, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो मैं एक दोस्त को बोला कि भाई अखाड़े लेके चल मुझे, जहां पे ट्रेनिंग करते हैं। अखाड़े में गया, बहुत कमजोर था, तो भैया अखाड़े में गया तो उसका जो उस्ताद था, सारे थे, हम बैठे रहे, तो सब आए, सब लोग, ये आप क्या करने आए हो? मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ, रेसलर बनना चाहता हूँ। वो सब हंसे और ऐसे ऐसे उन्होंने ये बोला कि भैया अगर आप भी पहलवान बन गए ना, ये लाइफ में मेरा अनुभव है, कोई बच्चा जिंदगी में पहलवान क्या, वो तो भैया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। मैंने कहा जी समझा नहीं मैं। बोला भैया आप तो खड़े हो गए, आप ढंग से चल लोगे, आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट है। मेरे पास हजारों बच्चे आए हैं, मैंने देखा अपनी जिंदगी में। और उसने बहुत शोर शोर, जो नॉर्थ में कहते हैं ना कि भाई खंडर देखे पता चल जाता है इमारत कैसी है, और समथिंग समथिंग समथिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा यार ये ठीक कह रहा है, उस दिन वाकई टूटा था। फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी नजर में रेसलर क्या होता, पहलवान क्या होता? उसने कहा कि जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। तब मैं बोल भी नहीं सकता था, कई बार तो ऐसे राल सी टपकती थी क्योंकि वो ज्यादा वो था। तो भैया मैंने तो एक बात सोची है लाइफ में, जिंदगी में हमेशा, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और बोर करो उसको, और बूस्ट करो, जो आपके सपने हैं ना उनकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते ना तो चलो, चल नहीं सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते ना तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह सीधी दिशा होना चाहिए जहां आपको जाना है। और मैं पहले सही भी बात, कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जिस पे जमान आता है इतिहास वही रचता है, और वो इतिहास हम जैसे पागलों में से कोई रचता है। तो उस दिन में बहुत टूटा, बहुत वो हुआ। फिर मेरी माँ ने, पंडित जी मिले मुझे जो गुरु जी सतवीर महाराज थे, उन्होंने काफी, वो भी बड़े अच्छे इंसान, पुष्कर में रहते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, अपना घर अपनी जमीन सब दे दिया ऐसे ही। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया हर चीज वो है, उन्होंने मुझे लांस आर्मस्ट्रांग के बारे में बताया उस टाइम पे, आजकल तो लांस आर्मस्ट्रांग साहब की थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो वो किया, फिर मैं धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हुआ, ये सब धीरे धीरे उठना स्टार्ट किया। देखो बात, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता, ट्रॉफी जीता, फर्स्ट आता, किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। और मेरी नजर में बड़ा खिलाड़ी या बड़ा बड़ा इंसान वो है भैया जो उस चीज को वापस देता है। अपने आप तो यार ढेर सारे हैं, अपना पेड़ तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं, फिर हमारे मन में फर्क क्या है? तो ये सारी चीज स्टार्ट की, ये सब कुछ किया, तो फिर धीरे धीरे वो किया, धीरे धीरे उठना स्टार्ट किया, फिर गिरना, उठना, गिरना।
और फिर मालिक की दया से एक टाइम वो आया कि जो बच्चा कभी 40 केजी वेट नहीं होता था, जिसकी हड्डियां कमजोर थी, वो 120 केजी में सीनियर नेशनल में मैं खेला, मेडल जीता उसने। फिर 2005 में मैं 96 केजी में वर्ल्ड सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, तब मैंने उस आदमी को फोन किया कि मुझे तो आपने बोल दिया भैया, और किसी को मत बोलना, क्योंकि आपकी बातें मुझे टोनी का काम कर रही थी, बाकी शायद टूट जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में सब इतने वो नहीं होते। और मैं हर रोज देखो, मुझे है ना हर बार रिजेक्शन मिला है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन रिजेक्शन। मैं जब मुंबई आया, मुझे पता नहीं, कहते हैं ठोकर लग लग के ठाकुर बन रहे हैं भैया, वो कुछ हम फुटबॉल की तरह, कोई तो पहली ठोकर में गोल में पहुंच गया, कोई मेरे जैसा होता 30-40 ठोकर में पहुंचता, पहले आउट जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि वो चीज परफेक्ट है। अभी बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल दूंगा। तो वो सारी चीज हुई, फिर एक बोलते कि यार ये नॉर्मली है, धीरे धीरे वहां से आ गए। जब मैं मुंबई आया ना, एग्जाम्पल दू, नहीं यार ये तो बोल नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता, ये तो एक्सेंट इसका ये एक्सेंट वो। तो मुझे मजा तब आता है, देखो जीतने का मजा तब आता है जब सामने वाले सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे। तो वो रेसलिंग में आया, एमेच्योर रेसलिंग में गया, फिर तुक्का लगा, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, मालिक की दया से वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना 2-3 बार। तो वो सारी चीज नॉर्मली है, मगर मेन चीज क्या है, मैं अपने आप से फाइट करता हूँ, अपने आप से मेरा कॉम्पिटिशन रहता है, अपने अपने ड्रीम खुद बनाता हूँ, वो सेट करता हूँ, वो सारी चीजों करता हूँ। और जब सारी चीज करते हो ना, देखो जब बादल टूटता है तो बारिश बनती है, बारिश जमीन पे गिरती है, जब जमीन टूटती है तो जमीन उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है उसमें बीज डालते हैं, जब बीज टूटता है तो पौधा बनता है, पौधा जब टूटता है तो बड़ा होके बाली निकलती है, बाली निकलती है, जब बाली टूटती है ना तो फिर गेहूं बनता है, बाजरा बनता है, और जब वो टूटता है ना तो समझो वो आटा बनता है जिसको हम खाते हैं। तो समझ लो जब आप अपनी जिंदगी में टूटा हुआ फील करो ना, तो मालिक आपका काम आपको बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए याद रखो, और लगातार कठिनाई आ रही है ना लाइफ में, तो गिव अप मत करो, समझ लो हमारा लेवल बढ़ गया है। तो अब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा जिसमें 1.10 रुपए फीस लगती थी, आज मैं तकरीबन IIT IIM जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। अभी मैं हार्वर्ड जाने वाला था, एक बार क्या हुआ कि हार्वर्ड का कि मैं किस्सा बता रहा हूँ छोटा सा। मैं एक स्कूल में पढ़ता था, कोई मैं किसी क्लास में फेल हो गया, और गलती से मेरे इंग्लिश में आ गए 13-14 नंबर, और हिंदी में थे 7 नंबर, पता नहीं कुछ ऐसे ही थे 7-8। तो प्रिंसिपल के पास गया मैं, उस टीचर उन सबके पास, ये शायद 12वीं क्लास की बात है, कौन सी क्लास की बात मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोले कि भैया, वो सारे मास्टर बैठे वहाँ, टीचर बैठे, बोले भैया कल है ना स्कूल इकट्ठा करते हैं, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसको ना पढ़ने के लिए हार्वर्ड भेजना पड़ेगा भैया, बाहर भेजना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता कि वो मेरी बात कर रहे, मैंने लिख गया था कि भैया फेल हो गया। तो कुल मिला के उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। फिर मैंने उससे पूछा कि जी हार्वर्ड क्या होता है, बोले बेटा तू तो रहने दे हार्वर्ड के बारे में, छोड़ दे सारी चीज। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया जिंदगी में अगर आप अपने सपनों को गिव अप नहीं करते ना, अपनी सुनते हो, उस पर मेहनत करते हो, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके ड्रीम अचीव करने से रोक सके। हम सामने वाले की है ना ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, हम सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके हिम्मत और हौसले का नहीं, बस वो हिम्मत और हौसला बना के रखो। मैं तो वही हूँ, मैंने वहां से आया, उनको किया, अपने शो होस्ट कर रहा हूँ, ढेर सारे शो किए, फिल्म करने जा रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बना, आर्मी जवान से लेके जगह जगह मौका मिला मालिक की दया से मोटिवेट करने का। फिर मैं आया एक टाइम पे, पैरों में जूते नहीं होते थे, जोड़े निकर होती, सब कुछ होता था। आज मालिक की दया से 60 बच्चे फैमिली हो गई है, जिनका 30 से 30 तो मेरे गाँव से है, जिनका मतलब मैं करने वाला मालिक है, मैं खाली पोस्ट मैनेजर या बनता हूँ, उनकी यूनिफॉर्म का, एजुकेशन का, हर चीज का। बस ये सोच लो यहाँ पे है, अगर मैं किसी सुपरस्टार को फोन करूंगा ना तो पता क्या करता हूँ, और वैसे काम ना ठीक चल रहा है, ये प्रपोजल कर सकते हैं, करने वाला तो मालिक है भैया, बाकी सब हम जरिया हैं, बस आप सोच तो लो। जब मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ ना, पहला कदम घर से बाहर निकालता हूँ, तभी मैं सोच लेता हूँ जीत गया हूँ। एक पुरानी कहावत है भैया, अगर पानी है मंजिले तो अपना रहनुमा खुद बन, वो अक्सर भटक जाते जिन्हें किनारा मिल जाता है। क्या बात, मैं आप सबको, तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता, आप में टैलेंट है तो आगे आके रहेगा, बस बशर्ते आप हिम्मत नहीं हारो, दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं जो आपको हरा दे, बस हिम्मत मत हारो। आप भी रोज लोगों को रोज उनकी हिम्मत को चैलेंज करते हैं, कोरोना चैलेंज देते हैं रोज आप अपने इंस्टा अकाउंट पर, वो क्या है, किस तरह से उसमें लोगों को चैलेंज मिल रहे हैं? जी मैं कैंपेनिंग लेके आया हूँ, हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना, इसमें मैं मोटिवेट करता हूँ, टास्क देता हूँ। तो ये काफी दिन से चल रहा था, और इसमें काफी
ऑफिशियली एंड ऑफिशियली इसमें मैंने गवर्नमेंट को भी जोड़ा, बाकी चीजें की, तो इसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि हजारों बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे लाइव करता हूँ मैं। और फिर मैं क्या करता हूँ कि बच्चों को टास्क देता हूँ, सारे बच्चे टास्क करते हैं। और एक बच्चों के लिए एक नई चीज लेके आया हूँ मैं, एक नया ऐप है स्पोर्टोज, वो बिल्कुल फ्री है, हर फोन से डाउनलोड कर सकते हो। बताएगा कि भाई आपको क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, किस चीज में आपका टैलेंट है, कि वो आपको टैलेंट आपका स्पोर्टोज उसमें बताएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया बखूबी देश के लिए जो कर सकता हूँ ना वो करो। एक टाइम था भाई साहब मेरे अकाउंट में 920 रुपए थे, मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऐड आ गया। एक मिनट की बात बताऊंगा, मुंबई में मैं ऐसे ही रह रहा किसी घर पे, तो एक बीच वाला आया कि बोला कि भैया एक काम करो, ये ढेर सारे होर्डिंग लगेंगे, ढेर सारी चीजें होंगी, करोड़ों की फैन फॉलोइंग होगी, और ये सारी चीजें ये कर लेते हैं भैया, ये तो सब कुछ होगा। तो मैं उसको बोला कि भाई अगर दो बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो उनको जहर पिला रहे हैं। बोला नहीं ये सब है, वो सब है, ये सब है। मैंने कहा भैया रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। वो चला गया, उसने 3 से 4 दिन बाद मुझे फोन किया, हु यू आर, वी हैव सचिन, वी हैव धोनी, वी हैव सलमान खान, ETC। मैंने कहा भैया सब अपने भाई हैं, दे दो पैसा घर में ही रह जाएगा, मगर मेरी बात सुन लो, आपने बहुत डांट लिया, तब थे 920, अब रह गए 610। 3 दिन में दूध और केले में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, वो भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूंगा अगर बोलोगे टॉयलेट साफ करना है। तो मेरे घर में भैया कोल्ड ड्रिंक तब आती है जब कोई टॉयलेट साफ करना होता, आरपी क्वारपी ये सब काम करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, और मैं उन सुपरस्टार को भी कहना चाहूंगा, उन स्पोर्ट्स स्टार को भी कहना चाहूंगा कि भैया देखो खानी दो रोटी है, ज्यादा 3-5 करेंगे 2 से 1 पे आ जाएंगे, रहने के साथ में कुछ जाना है नहीं। तो भैया वो चीजें प्रमोट करो, जब यूथ आपको आइडल मानता है तो जो चीजें सोसाइटी के लिए अच्छी है, जो यूथ के लिए अच्छी है, जो समाज के लिए अच्छी है। मेरे से ढेर सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कि वो चीजें लेके आऊं जो सब यूथ के लिए फायदा है। अब पता क्या होता है, ढेर सारे अपने मेडल जीते और वो मेडल पहन के रखते हैं ना, वो निकालते हैं मतलब टॉयलेट करने से लेके, समझ गए ना, वो भैया खुद का भरा तो क्या फायदा है। आप बनो तो वो बनो गन्ने की तरह, इसको कितना तोड़ो मरोड़ो निचोड़ो कुछ भी करो, गन्ना फिर भी जो उसमें आएगा ना मिठास ही आएगा। तो कोशिश करो, अब मान लो काफी मेरे सपने थे भैया ओलंपिक में जाऊं, मेडल जीतूं, बाकी चीजें करूं, और फाइनेंशियली या कुछ किसी कारण उसमें कर नहीं पाया, लैक ऑफ कोचिंग लगाओ, लैक ऑफ फाइनेंस लगाओ, लैक ऑफ गाइडेंस लगाओ। अब मैं चाहता हूँ ढेर सारे बच्चों का जरिया बनूं कि मालिक की दया से वो देश के साथ साथ मेरा सपना वैसे ही पूरा हो जाएगा। और भैया मैं किसी के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलता, ना बुराई करता, क्योंकि जिनको अपनी ऊंचाई का एहसास होना वो किसी दूसरे को नीची नजर से नहीं देखा करते। और कोई सामने वाला आपको एक छोटी सी बात, जी आप पूरी करिए जी, कोई सामने वाला अगर हमें इग्नोर कर रहा है या कुछ कर रहा है तो समझ लो उसकी नजरें हमारे ऊपर ही है। कोई नफरत करता है ना, नफरत बड़ा शब्द होता है, वो पहले ही हार चुका होता, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए जो पीठ के पीछे बोलते पीछे रह जाते, उनकी चिंता मत किया करो। जी आप बताइए जी, एक एक सवाल ये बनता है कि एक हेजिटेशन है आज के यूथ में। आप हरियाणा से आए हो और एक हरियाणा में ये कहा जाता है कि हिंदी तो देसी है, लड़का भी देसी है, लेकिन बस एक ही दिक्कत हो जाती है, अंग्रेजी में हाथ तंग हो जाता है। जब आप गन्ने की बात कर रहे थे तो मुझे गन्ना और शुगर केन याद आ रहा था, तो वो किस्सा एक बार दर्शकों को बताएंगे। भैया क्या हुआ, देखो अंग्रेजी तो पहले से टाइट, आजकल भी सीख रहा हूँ जाके नॉर्मली करके, और मैं कह रहा हूँ कि भैया अच्छा है कोई भी भाषा बोलो, बस उसमें नॉर्मली रहो, एक कॉन्फिडेंस रखो। एक बार मैं मुंबई चला गया, वो ढेर सारे भैया कोई शूटिंग कर रहे थे, ढेर सारे एक्टर थे, उसमें पायल भी थे और बाकी सारे थे। मैं उसको बोला भैया, वो बोला जूस मिलेंगे सारे, मैंने कहा भैया गन्ने का मिलेगा, बोला शुगर कैन का है। अब मुझे पता नहीं कि भैया गन्ने को इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं, तो ये सारे इतने बदमाश, ये सारे चुप हो गए। तुमने बोला भैया गन्ने वन्ने का हो तो ले आओ, उनको भी मुझे लग रहा कि भैया कोई देख नहीं रहा, वो सारे मेरी तरफ ध्यान कर रहे इतने बदमाश कि वो देखे नहीं। तो उस दिन भैया मुझे पता चला था कि भैया गन्ने को शुगरकेन कहते हैं, वो आज तक मेरी हंसी करते हैं। तो एक गांव का आदमी था देसी, फंस गया पुलिस के, पहले कोई था ऐसे, बोला गेट की तरफ मुंह करो, गेट की तरफ खड़ा था, उसने मुंह फेर लिया, एक डंडा मारा, बोला भैया 3 डंडे तो लगे मगर पता चल गया जिंदगी में गेट क्या होता है। उस दिन पता चल गया कि भैया शुगरकेन को गन्ना कहते। और मैं कह रहा हूँ कि भैया सीखना बन तो जीतना बन, सीखते रहो। अब देखो जो ढेर सारे, जो एक बार मैं एक IIM चला गया, एक लड़की से पूछा मैंने कि भैया आपका मार्क्स परसेंटेज क्या है, उसने कहा सर कि 95% के बिना तो अप्लाई नहीं कर सकते, 90-95 के बिना। मैंने कहा भैया गलत आदमी आ गया। बोले क्यों? मैंने कहा टारगेट होता है कि भैया 33-35% ले लो, 33% आ गए बहुत, अपना घर वाले बहुत पीटेंगे। तो
कहने का मतलब ये कि गलती से क्या हो जाता था, एक बार फेल हो गया तो दोस्त ने वो दूसरे का रोल नंबर देख के लिख दिया, क्योंकि भैया हम तो वहां से आए, पहले घर वाले पीटते थे, फिर पड़ोसी पीटते थे, फिर स्कूल में पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे, कोई स्ट्रेस डिप्रेशन पता नहीं था हमें होता क्या है। आजकल भैया आप अपने भाई के या बहन के बेटे के मार के दिखाओ ना, शाम शाम तक घर में झगड़ा हो जाए तो पड़ोसी दूर की बात है। तो उसने लिख दिया, घर वाले खुश हो गए, पास हो गया, गलती से पता चल गया कि भैया सामने वाले के 60% आए हुए थे, उस टाइम पे 60% बड़ी बात थी। अब घर वाले ने सोचा कि साला पास तो हो गया ठीक है, मगर इसी इतना तो है नहीं कि 60% ले आएगा, तो मतलब उस दोस्त के कारण और ज्यादा पिटाई हुई थी घर में कि भैया 60% आ कह सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लाइफ में कोशिश करो, ये जरूरी नहीं है कि आप फटाफट इंग्लिश बोलोगे या ज्यादा मार्क्स लाओगे तो ज्यादा ओपन होगे, अपनी सोच को अपने उसको मैच्योर करो कि भैया इस चीज को मैं कर सकता हूँ। और कोई चीज स्टार्ट करो ना तो उसमें बार बार पीछे मुड़ के मत देखो, बार बार पलट दे, बार बार पलट के देखने वाले हिस्ट्री नहीं बनाते भैया। अब चाहे वो फेसबुक का सीईओ है, चाहे वो एक अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते। गूगल का सीईओ भी एक इंडियन था, वो भी नॉर्मली घर में से था, डॉक्टर इब्राहिम लिंकन, अब्दुल कलाम साहब, धीरू भाई अंबानी साहब, तो ये सब वो हैं। हमेशा आदमी छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं बनता, याद रख लो। तो जिंदगी में छोटा कौन होता है? छोटा वो नहीं होता जिसके पास पैसा, घोड़ा, गाड़ी, ये सब नहीं हो। मेरी नजर में भैया छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी है, बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठ के हमें छोटा फील ना हो, वो बड़ा आदमी होता है, याद रखो। इसीलिए मैं हमेशा यार इंसानियत को तवज्जो दो। एक कहते हैं ना कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो बात सही कह रहे, ऑनेस्टी कहते थे, मैं आजकल कह रहा हूँ कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मैं कह रहा हूँ कि भैया ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। तो मालिक का शुक्रगुजार करो कि ये सारी चीज ठीक है। अगर आपके मन में वैर है तो भैया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कितने घंटे बजा लो, कितनी नमाज पढ़ लो, कितना कुछ कर लो, उसका कोई फायदा है ही नहीं। वो किसी के माता पिता जिंदा है ना तो सबसे अमीर आदमी वही है, उनके चरण दबा लो, उनके पैर छुआ करो, उनकी सारी चीज किया करो, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। चार धाम जाओ, चाहे आप मक्का मदीना जाओ, चाहे आप किसी गोल्डन टेम्पल जाओ, किसी भी चले जाओ, तो भैया मैं बात वही कह रहा हूँ। और ये आजकल डरा देते हैं, जैसे वो कई कहते हैं ना कि भाई ये सब होगा, भूत आ गया, भूत क्या होता है भैया, जो बीत गया वो पहले ही परेशान था, अब कहाँ आएगा। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, हर चुराल से उठा उठा खाना खाया है आज तक, क्योंकि भैया खाना पड़ा है यार, वेस्ट है। ये बहला देते कि भैया शनिवार ये सब बारी, देखो याद रखो हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। ये अंगूठी से, माला से, चैन से कोई भाग्य नहीं बनता भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, भाग्य बनेगा आपकी कर्मठ से, आपसे मेहनत से। अब मेरा एक बहुत खास दोस्त था ज्योतिषी, ढेर सारे जो एस्ट्रोलॉजर है सब कुछ, भैया फरवरी से तो आपके पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं भैया, जब से फरवरी गई है तब से घर में बैठ गया हूँ, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो है कहाँ अभी। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे मिथ हैं, ये सारे वहम हैं। अभी किसी ने फोन किया, बहुत नाम लूंगा नहीं, बोला भैया पैदा कब हुए थे। अब देखो जन्मदिन तो ये शहरियों का होता है भैया, मैंने कहा भैया मेरी माँ से पूछ लो। उसने फोन किया तो मेरी माँ बोली कि भैया बारिश आ रही थी, शाम का टाइम था, घर में खीर बनी हुई थी। भैया हमारे जन्मदिन तो थे, तब से मीडिया में आए हैं, तब से मनाना स्टार्ट किया है कि भैया ये जुलाई था, ये डेट था, ये वो था, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि छोटी मोटी चीज है ना वो मत करो, ये देखो कि आपका टारगेट कहाँ है। अर्जुन की तरह आपको सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, फालतू चीज मत देखो, बस वो अपना टारगेट बांध लो, वो निशाना कर लो। मैं कह रहा हूँ कि कठिनाइयां परेशानियां उसको दिखती हैं जिसका लक्ष्य से ध्यान भटक जाता है। जो लक्ष्य पे रहते हैं ना उनको पता ही नहीं चलता है क्या होता है। अब मैं एक नई कैंपेनिंग लेके आ रहा हूँ, और भैया अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सीबक थनबेरी का जूस आता है, ये ढेर सारे आंवला और आंवला का इसका एलोवेरा गिलोय जूस ठीक है, वो सब पी लो, उसे कर लो, मगर सीबक थनबेरी का जूस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो बहुत हाई एटीट्यूड पे होता है। वो जो मतलब जो अल्टरनेटिव होता है लद्दाख वगैरह 10,000 किलोमीटर से 10,000 फीट से ऊपर ही होगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। सीबक थनबेरी का जूस भी आप पी सकते हैं। इम्यूनिटी कभी मिले तो रेयर होता है वो, मगर मिले तो आप मंगवा लो, वो अच्छी चीज है। एक 6 फीट लंबा भैया 3 फीट चौड़ा एक ऐसा वर्कआउट लेके आ रहा हूँ आप सबके साथ, सिर्फ मैट और टावल के साथ में, बिगनिंग से लेके इंटरनेशनल लेवल तक का वर्कआउट घर बैठे कर सकते हो। और दूसरा मेरे अनुसार 1,000 से 1,500 रुपए एक महीने में बहुत है एक नेशनल लेवल का एथलीट बनने के लिए भी। अब खुद बताओ ना कि भैया ये खाते हैं, ये
उस स्टीरोइड खाते हैं, सब खाते हो, फालतू की चीज है भैया। घी खाओ, दूध खाओ, फ्रूट खाओ, फल खाओ, नेचुरल रहो। और मैं कह रहा हूं कि अब किसी जिम में चले गए, कोई चले गए, डाइटिशियन, ये सारे बदमाश होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलरली, सब फ्रॉडगिरी, मायागिरी है। मतलब ये क्या कहेंगे, आपका बॉडी वेट 70 kg तो 140 ग्राम प्रोटीन खाओ। अब खुद बताओ ना भैया, वो बैग उठाए घूमते रहे, कुछ दिन काम भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कम खाएंगे ना, काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और एक सूखी रोटी प्याज में उतने विटामिन है जितने विटामिन 5-star खाने में या कीटो डाइट या दूसरी डाइट किसी डाइट में नहीं है। बस खुश हो, आप पॉजिटिव हो, पसीना निकालो। रिक्शा वाला देखा है, उसके 12 पैक आ जाते हैं। खाना कम खाता है, मेहनत करता है। तो इसलिए भैया, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना, और मालिक का नाम 100 गुना। हो गए यार, हेल्दी हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसलिए ना, ज्यादा चक्रों में मत पड़ो, जो मिले घर का वो खा लो। हाँ, सफेद नमक, लाल मिर्ची, इनकी जगह आप सेंधा नमक खाओ, हरी मिर्ची खाओ, तला हुआ खाना मत खाओ। और कोशिश करो कि जो नॉर्मली आता है जैसे माइक्रोवेव, ये सब दूर रहो, नॉर्मली गर्म करो। तो ये नॉर्मली चीजें हैं। तो जिंदगी में ना, जितने हम सुख सुविधा की तरफ भागेंगे, जितना दूसरों से प्रभावित होंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं है। एक बड़े आदमी ने बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये ब्रांडेड चीजें होती है ना, जो ऐड होती है, ये है ना सबसे बड़ा मार्केटिंग का झूठ होता है। इनका मकसद होता है कि अमीर आदमियों से पैसा निकलवाना। मगर एक ताजुब की बात है कि इनके फंसते गरीब आदमी, वो अपने लोन लेके वो करके वो चीज खरीदते हैं, अमीर चाहे खरीदे या ना खरीदे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भैया नॉर्मल रहो, देसी रहो, बी हम्बल, एम हाई। शान और शौकत में दिखाने में उसमें कोई फायदा नहीं। मैं देखता हूँ कई मेरे दोस्त जानने वाले, नाम नहीं लूंगा, 12-13 बॉडीगार्ड ले लेंगे, उन पे अपना नाम, उनको अपनी टी शर्ट पहनाएंगे, उनको जर्सी पहनाएंगे, ये वो के भैया सेलिब्रिटी ऐसे नहीं होता, 2-4 फोन रखेंगे। भैया जितना देसी रहोगे, जितना सिंपल रहोगे, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, हमें कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया वाले अपने आप बता दें कि भैया वो आदमी ठीक है, इसका ये ठीक है। तो ब्रह्मजाल में हम कब तक रहेंगे, खुद तो बताओ। और जहां से डर खत्म होता है ना, जीत वहीं से शुरू होती है। और जो हमारे जैसा देसी आदमी होता है ना, आपसे आप सब जैसा, मेरे जैसा, वो ये सारी चीज करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि घमंड तो लाइफ में करना नहीं चाहिए भैया, अंगारा विराख बन जाता है, हम तो इंसान है। एक बात की आपने, जहां डर खत्म होता है वहां से जीत शुरू हो जाती है। मैं उस सवाल को रखे हुए था, वो आपने बात की, एक सीधा सा दिखने वाला इंसान जिसको, जो अगर इस लाइव को भी देख रहा होगा, तो वो संग्राम सिंह के बारे में एक ये राय बना चुका होगा कि कितना डाउन टू अर्थ और इजी गोइंग पर्सनैलिटी है। वो आदमी डेथ कॉन्ट्रैक्ट फाइट लड़ने के लिए हाँ कैसे करता है? देखो वो क्या है कि वो एक पैशन है। क्योंकि देखो मेरा जो पहला प्यार है, मेरी पहली चीज है, वो रेसलिंग है, जिसने रोजी रोटी दी है, मैं छोटा सा हूं या जो कुछ है, वो इंजॉय कारण काफी दिन हो गए थे। फिर मैंने उसमें वापसी की काफी दिन बाद। और उसमें क्या होता है कि भैया जिम्मेदार आप खुद होते हैं। अब फिर से मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आऊंगा ताकि ढेर सारे बच्चे स्पोर्ट्स को ले। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि भैया, ट्रस्ट ऑन योर क्रेजी आइडियाज, बाकी सिंपल कुछ भी नहीं है। जो आपके दिमाग में आ गया ना, जो क्रेजी चीज है, उसको वो करो। और एक पुरानी कहावत है, शेर है ना, अपनी खामोशी से संतलतों पर राज करते हैं। इसलिए किसी को बताओगे दुनिया वाले नहीं सुनेंगे, जब तक आप उनको हिलाते नहीं ना। मैं फिर रेसलिंग में आऊंगा, मैं भी बोलूंगा नहीं, कम से कम 5-7 साल लोग रेसलिंग करो। मेरे से मेरी उम्र पूछता है, मेरी उम्र है भैया 13 साल 10 महीने। बॉडी एज मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता क्या एज हो गई, क्या कुछ हो गई, वो उनके लिए मैटर करता है। भैया देखो, 3 चीजें आज बता के जा रहा हूं। लिमिटेशन सिर्फ 3 चीजों में होती है, डॉक्टर, साइंस और माइंड। इन 3 चीजों में लिमिटेशन होती है, बाकी भैया शरीर में कई लिमिटेशन नहीं होती, समझे। लिमिटेशन सिर्फ उनकी थ्योरी में होती है भैया, उनकी थ्योरी में लिखा हुआ है वो लिमिटेशन है। शरीर में कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो चीज कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ भैया, कोई आदमी हमसे जल रहा है ना, तो इसकी बुरी बात नहीं है, वो हमारी काबिलियत है जो उसको जला रही है। तो आप खुश रहो, आप ये सारी चीजें करो। और मैं आपको बताऊंगा कि भैया जिंदगी की 2 लाइन है, वो जब लास्ट लाइन बोलूंगा ना, तब आपको समझा के जाऊंगा कि जिंदगी का सार ये है, ये सब कुछ है। और मैं कह रहा हूँ कि भैया, अगर आपको अपने बड़े सपने मारने हैं ना, तो एक काम करो, किसी छोटे दिमाग वाले आदमी को बता दो, आपके सपने अपने आप मर जाएंगे।
तो भैया शेरों में रहोगे तो शेर हो जाओगे, गिदड़ में रहोगे गिदड़ हो जाओगे। और जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, फालतू दोस्ती मत करो, दोस्त उसको बनाओ जो सीरियस अपने करियर के लिए फोकस के लिए, नहीं तो फालतू दोस्ती की ना भैया उसी में रह जाओगे वो चीज करते हुए। देखो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा का होता है। जब हम उतनी मेहनत तो कर रहे हैं, सारी चीज परेशान तो हो रहे, थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो जाओ, एक्सरसाइज करते हैं, वो घूमने जाते हैं, वो करते हैं, वो ढेर सारे मोटे मोटे देखता हूँ पाद मारते बात करते रहते हैं, अरे वाह उसने वो कर दिया, अरे पकौड़े तले हुए थे भैया, एक घंटा परेशान हो जाएगी, डेढ़ घंटा परेशान हो गया, पेट भी खत्म हो जाएगा, एथलीट बन जाओगे तुम। वही बात कह रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा मत बनो दोस्तों, भीड़ की वजह बनो, नहीं तो जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा ही रहोगे। वो आपके ऊपर है, एक जोन होता है उसको बोलते हैं, वो जोन हर कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश अमेरिका सब में है, और वो हमारे शहर में भी है, और वो घर में भी हो जाता है, उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। वो कंफर्ट जोन अगर आपके अपार्टमेंट में आ गया ना, वो टाइम से उठना, वो उसी टाइम उठेंगे, उसी टाइम पोटी करेंगे, फालतू की बात करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, खाना खाते हो टीवी देखने सब करना, उसका आप शिकार हो गए ना, फिर आपको किसी दुश्मन की जरूरत है नहीं, फिर तो उसी जोन में रहो, वही करते रहो वहां, फिर बुढ़ापे में ढेर सारे बहाने देते रहना कि ये नहीं हुआ मैं ये कर देता, भैया मैं किसी बहाने को नहीं सुन सकता। सफलता और बहाने साथ नहीं चलते, सफलता चाहिए तो बहाने मत दो, और बहाने अगर दे रहे हो तो भैया सफलता को भूल जाओ। और इंग्लिश ही कहावत है ना, सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि दो सवालों जी एक दर्शक हमारे दो सवाल पूछ रहे हैं, एक तो बोले हम बार बार हर 3 महीने में खबर आती है कि आप शादी कर रहे हो, तो पहले तो शादी की तारीख बता दो, और दूसरा ये बता दो कि पायल मैडम के साथ आपकी मुलाकात पहली कब हुई थी, और कैसे ये मतलब एक पहलवान पायल मैडम को अपने साथ लेके आगे निकल गया। आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। हम भैया मिले थे 2010-11 में, एक आगरा से कुछ लड़के आ रहा था, मैं कोई अपीयरेंस तो आगरा मथुरा आई, फिर गाड़ी खराब हो गई थी, और पुरानी आदत रही है हमारी कि कुछ भी चीज हो जाए किसी मदद करना भैया। और मैनेजर वैनेजर थे, उनके गाड़ी में से मिट्टी थी, उन्होंने बोला कि भैया ये गाड़ी इतनी साफ रहती है, मैंने कहा इससे भी साफ रहती है, छोड़ दिया, नंबर लिया नहीं। फिर आगे एक शो में मिले हम 2011 में, सर्वाइवर एक शो था, तो तब से ये बात चल रही है, जब भी हम सोचते हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करने का कि भैया शादी करेंगे ये सब है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं जल्दी करेंगे, और भैया इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि ये सब है ना, ये सेलिब्रिटी के लिए ठीक है, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, वो डेट करे, ये वो करे, जो जो शहरी होते हैं, जो वो कहते हैं ना पापा मैंने सोचा फिल्म कर लूं, ले बेटा एक फिल्म बना दूं, पापा मैंने सोचा ये कर लूं, ले बेटा वो कर दूं। भैया हमारी जिंदगी का मकसद कुछ बड़ा है, वो भी अपने सेल्फ मेड है, जहां से आए जो कुछ कर रहे हैं भैया वो कर रहे हैं ठीक है, मैं किसी की लाइफ में दखल नहीं देता, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। और देखो इस समाज में हमें एक औरत लेके आती है, पहला शब्द बोलना एक औरत सिखाती है, पहला कदम रखना एक औरत सिखाती है, इंसान को जेंटलमैन एक्चुअली एक औरत बनाती है। उसके बावजूद हम उस माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत नहीं करें तो फायदा नहीं है, जल्दी शादी करेंगे बस थोड़ा सा सब ठीक हो जाए, डेफिनेटली हम इतने साल से साथ में हैं तो बिल्कुल करेंगे, और ये शादी जल्दी करेंगे। एक जी, एक 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 बात ये आती है कि जब आप रेसलर थे, पहलवानी कर रहे थे, और उससे अचानक से आप एक टीवी की दुनिया में भी आए, तो एक देहाती जिसको कहते हैं कि एक देसा आदमी टीवी की दुनिया में जाता है और बिग बॉस से लेकर के सर्वाइवर के शो में जाता है, जहां प्री स्क्रिप्टेड लोग हैं, जिनके एक माइंडसेट है, चीजें फिक्स हैं, वो लोग आते हैं, तो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं कि वहां आपको जो सामने लोग मिल रहे हैं उनके चेहरे के ऊपर चेहरा है, और आप अपने चेहरे पर कोई भी लबादा नहीं लगाए हुए, कोई चेहरा नहीं लगाए हुए, तो कैसे खेल पाते हैं उनके साथ? मुझे लगता है संग्राम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। संग्राम जी क्या सुन पा रहे हैं आप मेरे को? मुझे लगता है कि शायद कुछ टेक इशू आया है, संग्राम जी से हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बता दें कि हम लगातार बने हुए हैं संग्राम सिंह जी के साथ में, इंटरनेशनल रेसलर हैं, प्रोफेशनल रेसलर हैं, और उन्होंने जिस तरह से जो चीजें कोरोना में कैसे आप फिट रहे, कैसे आप फिट रहे, उसको लेकर के बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे तरीके बताए हैं कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो, किस तरह से आप बीच में आवाज चली गई थी। संग्राम जी हमारे साथ वापस आ गए हैं। संग्राम जी, मैं वही सवाल कर रहा था कि जब आप पहलवान थे, आप रेसलर थे, रेसलर की दुनिया से निकल करके आप जब टीवी की दुनिया में आए, तो आपने बिग बॉस किया, आपने सर्वाइवर किया, तो दोनों शोज ऐसे थे कि जहां आपको ऐसे लोगों से जूझना पड़ा जो ऑलरेडी कई फेस अपने फेस के ऊपर लगाए हुए थे, या ये कहें कि वो प्री स्क्रिप्टेड थे, क्योंकि वो टीवी की इंडस्ट्री से पहले से
मौजूद थे टीबी की इंडस्ट्री में, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो वक्त जब उनके साथ आपने मैनेज किया होगा? जी देखो, मैंने अपनी लाइफ में इंडिया के तकरीबन सब बड़े बड़े शो किए, कभी बारात में डांस नहीं किया, डांस का शो किया। एक अच्छे शो रहे मेरे, जैसे डिस्कवरी चैनल पर ऋतिक रोशन साहब मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे, स्ट्रीट टीवी किया, अब एक बड़े चैनल पे मैं खुद अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, सर्वाइवर था, बिग बॉस था। तो क्या है कि पुरानी कहावत है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है ना, वो कीचड़ में खिलता है भैया। सामने देखो, मैं है ना हमेशा जिंदगी में, आप भी सोच कर लो, मैं कभी बदले की भावना नहीं करता, मैं बदलाव की भावना करता हूँ। मजा तब आए ना जब आप सामने वाले को बदल दो, उसकी सोच, उसका हर चीज। जैसे मैं बिग बॉस में गया, नॉर्मली थे अरमान कोहली और ये ढेर सारे थे, कि मैं जानता था क्योंकि मैंने उसकी एक नाग वाली फिल्म देखी थी। तो मैं उसको बोला कि पाजी ये बात, तो उसने बोला कि जो अखाड़े में पले बड़े होते हैं ना, वो डायलॉग याद है मुझे, कि उनको ना तहजीब नहीं है कि भैया एक इज्जतदार आदमी सामने कहाँ बैठे क्या कुछ करे। मैं उसको बोला पाजी यार मैं तो आपकी नाग वाली फिल्म देखी थी, आप सच्ची में नाग हो यार, मतलब मैं उनको ऐसी बातें कहता था। तो क्या होता है कि वो कई कहते थे आई आई स्टार्टेड 10 फिल्म 10 विलाज आई बोर्ड दिस, मैं भैया 20 रुपए निकल 30 रुपए मैंने अन पहन के बैठा रहता था। तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी शख्सियत को इतना बड़ा बनाओ कि फालतू चीजों की अहमियत ना रहे। अब मैं बस में भी जाऊंगा, मैं ऑटो में जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर मर्सिडीज से उतरेंगे, 5 आदमी नहीं होंगे, तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे। वो सोचेंगे कि भैया हम स्टार तब हैं जब ये सारी चीजें, भैया स्टार बोन होता है, मतलब समझे नहीं, वो जो मेहनत करके आता है ना, वो हर स्टार है, हर इंसान में एक स्टार है, हर इंसान में सारी चीजें हैं। बस मैं कह रहा हूँ कि बशर्ते उसको पहचान लो, और मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट है कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। गिव अप नहीं, बिल्कुल सही बात, हार नहीं मानते। एक चीज और जानना चाहूं, सर्वाइवर शो में जब आप गए तो उसमें एक क्लॉज था कि लोग ज्यादा थे, खाना बहुत कम था जी, तो वहां कैसे मैनेज किया होगा? उसका कोई किस्सा ऐसा जो एक बहुत चर्चित रहा हो, जो आप कभी ऑन कैमरा नहीं आ पाया? जी ढेर सारी चीजें ऐसी थी कि हम 45 दिनों तक क्या था कि मेरा 17 kg वेट हुआ था, 11 सेलिब्रिटी थे हम, 11 कॉमनर थे, 5 kg दाल, 5 kg चावल, 2 जोड़ी कपड़े, अगर उड़ गए तो बयान अंगेर हो, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो, बिग बॉस तो बहुत छोटा शो उसके मुकाबले। तो मैं बाहर के जाके बोलता हूँ सर्वाइवर किया तो सब फ्रंट पे छापते हैं, क्योंकि भैया सर्वाइवर बड़ा शो है जी। तो उसमें जो टिमी नारंग होता था, टिमी नारंग एक बड़ा बिजनेस मैनेज किया होटल वोटल नारंग फैमिली के, तो वो यूज टू थे टॉयलेट करने के बैठ के, तो उनको ना पता नहीं होता था कि भैया पोटी कैसे करे। तो मैंने उनको बैठ के भैया ये ऐसे हाथ रखना होता है, पेट पकड़ के आप पोटी नहीं कर सकते, ऐसे करोगे भैया पोटी किए तो फावड़ा इसको खोद के अंदर डाल दो, अब पानी से हाथ दो। तो उन सबको मैंने पोटी करना सिखाया, जो गांव में जैसे होते हैं ना, मैं देखा तो मैं हैरान रह गया, पेट पकड़ के खड़ा होकर पोटी कर रहा था। तो मतलब काफी चीजें ऐसी वही जो शो में मतलब अननेचुरल थी, उनको पता नहीं कि भैया ब्रश है नहीं, दातुन कहाँ से करे, क्या कुछ करे। तो मैं उन सबके लिए पेड़ पे चढ़ के दातुन तोड़ता, ये सारी चीज करके। तो मतलब ढेर सारी चीजें ऐसी थी जो देसी है, हम तो रियल लाइफ सर्वाइवर हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ना है, ये नॉर्मली चीजें थी। और मैं आप सबको बता रहा हूँ भैया, 2 लाइन में ये पूरी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ, ये जिंदगी 2 लाइन में है, इसको सुनो राजमा लो। देखो ये मैंने नहीं, एक बहुत बड़ा आदमी था जिसका बहुत बड़ा बिजनेस था, और वो हमेशा बिजी रहता था, उसने अपनी फैमिली खोई, अपने सारे रिलेशन खोए, और लास्ट में उसने खुद भी खोया। तो उसके बाद उसने 2 लाइन बोली थी कि जिंदगी से लम्हे चुरा कर बटुए में भरता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा एक दिन, बस यही सोचता रहा, उदड़ती रही जेब करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा भरपाई, फुर्सत मिली जो एक दिन सोचा चलो खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े लम्हे क्यों ना कुछ को खर्च कराऊं, खोला बटवा लम्हे ना थे जाने कहां रीत गए, मैंने तो खर्चे नहीं पर जाने कैसे बीत गए, पर जाने कैसे बीत गए। खुद फुर्सत पाई थी तो सोचा चलो खुद से ही मिलाऊं, देखा जो आईना तो पहचान ही ना पाऊं, ध्यान से जो देखा तो बालों पे चांदी सा चढ़ा था, था तो कोई मुझ जैसा पर ना जाने कौन खड़ा था, पर ना जाने कौन खड़ा था। तो भैया जिंदगी है ना, हम ऐसे जीते हैं, हम सोचते कल जिएंगे, परसों जिएंगे, आगे करेंगे, फिर खुश होंगे, फिर ये सब होंगे। भैया जो ये टाइम निकल गया ना, वो निकल गया, हर पल खुश रहो, हर पल उसका शुक्रगुजार रहो, बाकी चीजें सब टेम्परेरी है। जिंदगी आपकी सोच ही पॉजिटिव है, बस सोच बना लो। सोच थी सिकंदर महान बन गया, सोच थी सारे और हमेशा सम्मान अवार्ड देने वाले को बनाया, छीन के खाने वाला कभी पेट भरता नहीं और बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। तो लाइफ में फंड आजमा लो, अपने बच्चों को, अगर देश को बदलना ना तो अपने बच्चे को मोरल वैल्यू संस्कार दो,
कि क्या कुछ है, पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, IIT IIM ये सब कर लिया, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए ना, अब क्या करते हैं कि माँ बाप बाहर कुत्ते को खिला रहे हैं, भाई बच्चे को खिला रहे हैं, उनको पता ही नहीं बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, पैसे चक्कर में रहते हैं। सपूत निकला तो सारे पैसे ले आएगा, उड़ा कपूत निकला तो जो कमा रखे दौलत उसको भी उड़ा देगा। तो देश को बदलना है, खुद को बदलना है भैया। बुढ़ापे में जो रोटी दिलवाएंगे ना, वो आपके संस्कार दिलवाएंगे, पैसे से कुछ नहीं होता। अभी टाइम कम है, नहीं तो और बताता। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हिट रहो, वर्कआउट करते रहो। और कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो जो हमारे अंदर का शैतान है ना, उसको मार लो। कोरोना तो कुछ नहीं, कोरोना तो आएगा, चला जाएगा, हम सब इसका मुकाबला करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सरकार की दिशा निर्देश फॉलो करो, बाहर मत निकलो। बाहर तब निकलो कि भाई आपकी जिंदगी से जरूरी कोई काम है तो बाहर निकलो। और देखो, बाकी इस दुनिया के लिए आप एक आम आदमी है, मगर आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। तो याद रखो भैया कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम बाहर मत निकलो, जरूरत है तो बाहर जाओ। नमस्ते। कम से कम बाहर निकलो, बहुत बढ़िया बात कही है। हम अभी लगातार बने हुए थे, इस मुद्दे पर बात कर रहे थे संग्राम सिंह जी के साथ कि आखिर कोरोना में कैसे हिट और फिट रहे। और वाकई में अगर आप इस कोरोना में मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को वापस आप जाकर के शुरू से देखिए। एक एक पॉइंट पर उन्होंने बताया है कि आप कैसे हिट और फिट रह सकते हैं, आप कैसे योगा कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे आप मेडिटेशन करें और किस तरह से आप कनेक्ट बने रहें। और आप उनके साथ आगे जो वो कैंपेन लेके आ रहे हैं हेल्थ फिटनेस की, आप उसके साथ भी जुड़े। संग्राम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। जी जी जी, थैंक यू जी। आप सब जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैं आपको सब और बताऊंगा और ढेर सारी फिटनेस की टिप्स दूंगा। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। नमस्कार, लॉकडाउन का पालन करें, घर के भीतर रहें। नमस्कार, धन्यवाद।